फरवरी 2022 में इंडियन सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। अगले ही मैच में कई बदलाव देखने को मिले। सीनियर प्लेयर्स ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और रिद्धिमान साह को ड्रॉप कर दिया गया। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स चेतन शर्मा मीडिया इंटरव्यू के लिए आए। सवाल तो कई थे पर एक खिलाड़ी की अवेलेबिलिटी पर सवाल था। अब इसको सवाल कहें या ताना, पर मोटा मोटी बात यह थी कि कहाँ है हार्दिक पांड्या। किसी को नहीं, यहाँ तक कि खुद सेलेक्टर्स को भी नहीं पता था कि हार्दिक कहाँ है। ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना NCAA में है। बस जादू से IPL 2022 के लिए फिट हो जाएंगे, रन्स मारेंगे और वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये माने जाने लगा था कि हार्दिक अपने मन की करते हैं, उन्हें सिर्फ IPL की पड़ी है और वो सेलेक्शन के जनरल कन्वेंशन से ऊपर हैं। 6 महीने बाद 28 अगस्त 2022, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप। मोहम्मद रिजवान को फास्ट बॉल को खेलने में परेशानी हो रहा था, इसीलिए जब हार्दिक ने एक शॉर्ट बॉल फेंका एंगलिंग इनटू द बॉडी, तब रिजवान को थर्ड मैन के ऊपर से रैंप शॉट मारना सही लगा। लेकिन शायद उन्होंने हार्दिक के पेस को कम आंका था। ये वो पुराने हार्दिक नहीं थे, ये हार्दिक द फास्ट बॉलर थे जो ज़रूरत के हिसाब से बॉल के गति को बढ़ा सकते थे और पूरी तरह से अपने कमर को बेंड करके तीखी बाउंसर भी फेंक सकते थे। वही कमर जो तकरीबन 4 साल पहले इसी विरोधी टीम के सामने, इसी ग्राउंड पे, इसी टूर्नामेंट में इंजर्ड हुआ था। 19 सितंबर 2018, मैच के 18वें ओवर में अपने फॉलो थ्रू में हार्दिक अपने कमर को पकड़ते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गए और ऐसे गिरे कि फिर उठे ही नहीं। उनको उठा के ग्राउंड से बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर मंगाना पड़ा। वर्ल्ड कप में 10 महीने से कम का टाइम था और छठे बॉलर की कमी साफ दिख रहा था। जब एक ऑलराउंडर आपके टीम में हो तो टीम का बैलेंस बढ़ जाता है। किसी बॉलर के खराब स्पेल को कवर करने में कप्तान को मदद मिलता है। पिछले 2 साल से हार्दिक टीम को यही बैलेंस दे रहे थे, पर वर्कलोड भी सच है। पिछले 12 महीने में हार्दिक ने इंडिया के लिए 44 मैचेस खेला। पूरा IPL सीजन खेलने के बाद इस एशिया कप से पहले हुए इंग्लैंड दौरे पे सिर्फ एक गेम मिस किया। सिर्फ रोहित शर्मा ने उनसे ज्यादा मैचेस खेला था, पर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हार्दिक बैट्समैन के साथ साथ एक बॉलर भी हैं और इस मामले में पूरे टीम में उन पे सबसे ज्यादा वर्कलोड था। तो ये इंजरी उन सभी वर्कलोड का नतीजा था। मेडिकल जाँच में भी यही नतीजा निकला कि हार्दिक को रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ महीने रेस्ट करने के बाद वो वापस से टीम में थे। वर्ल्ड कप 2019 में हार्दिक प्रॉपर ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे थे। टूर्नामेंट के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें फिर से बैक प्रॉब्लम्स हुए। BCCI की मेडिकल टीम ने हार्दिक को सर्जरी करवाने की सलाह दी और वो इंग्लैंड सर्जरी करवाने गए, पर रिकवरी आसान नहीं था। उन्हें पूरी तरह से फिट होने में महीनों लग गए और जब महीनों की मेहनत और ट्रेनिंग को परफॉर्मेंस में तब्दील करने की बारी आई, तब हार्दिक अगले 2 साल सिर्फ एज ए बैट्समैन ही टीम का हिस्सा थे। ना ही उन्होंने IPL में और ना ही 2021 T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग किया। जिस विस्फोटक अंदाज से वो पहले बल्लेबाजी करते थे, वो अंदाज उनकी बैटिंग में अब नहीं दिख रहा था। 2022 IPL में मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें रिटेन नहीं किया। टीम में उनके जगह पे सवाल उठने लगे। पर एक बात थी, वक्त के साथ हार्दिक एक शांत प्लेयर और धोनी के बाद इंडिया के फिनिशर के रूप में देखे जा रहे थे। सभी उनके टीम में सेलेक्शन पे निगाह बनाए हुए थे, पर हार्दिक है कहाँ? 2021 T20 वर्ल्ड कप के हार के बाद हार्दिक ने गेम से ब्रेक लिया और एक रोबोट वाले स्केड्यूल को फॉलो किया। रात 9:30 बजे सो जाना और सुबह 5 बजे उठना। 6 महीने की कड़ी मेहनत, पूरा फोकस अपने सोने और ट्रेनिंग के पैटर्न पे। हर एक बॉल जो उन्होंने फेंकी, हर एक शॉट जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, हर एक चक्कर ग्राउंड की जो उन्होंने मारी, हर एक स्क्वाट, सब प्लान था। IPL 2022 शुरू हुआ, हार्दिक एक नए टीम के कप्तान थे। पूरे टूर्नामेंट उन्होंने खुद को चैलेंज किया, कभी टॉप पे, कभी मिडिल में, कभी एज अ फिनिशर अपने बैटिंग को टेस्ट किया और हमेशा उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया। बॉलिंग में भी वो जिप वापस आ गया था और वो कमर को पूरी तरह से बेंड करके बॉलिंग कर पा रहे थे बिना उसके टूटने के डर के। ये हार्दिक 2.0 थे। पूरे IPL में हार्दिक ने 30 ओवर बॉलिंग की और बैट से 487 रन बनाया। इसके बाद किसी ने उनकी सिलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किया।
जब हार्दिक फिट हो और मेंटली अपने फिटनेस पे कॉन्फिडेंट हो, तब उनसे बेहतर कोई T20 प्लेयर है ही नहीं। इसी की झलक हमें एशिया कप के पहले मैच में देखने को मिला, जब रिजवान ने हार्दिक के बाउंसर से ऑफ बैलेंस होकर थर्ड मैन के हाथ में कैच दे मारा। वो एक क्लासिक फास्ट बॉलर विकेट था, और बैटिंग में फिनिशर हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में एक छक्के से इंडिया को मैच जितवाया। 2022 T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी हार्दिक ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया और बैटिंग में टीम को एक मजबूत पोजीशन तक पहुंचाया। बस इतना ही नहीं, हार्दिक सिर्फ टीम में एज अ सिक्स्थ बॉलर नहीं है जो कि ईजी ओवर्स करके अपना पल्ला झाड़ ले, बल्कि वो मुश्किल ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 16 ओवर के मस्ट विन मैच में उन्होंने 13वां और 15वां ओवर किया था, और भले ही ये मैच एक बुरा अंत रहा, पर हार्दिक की बैटिंग से इंडिया एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा था। तो अगर सेलेक्टर्स हार्दिक के सिलेक्शन को जनरल कन्वेंशन से ऊपर रखते हैं तो वजह साफ है, हार्दिक वो कर सकते हैं जो कोई भी और T20 क्रिकेटर नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात, वो फेलियर से नहीं डरते हैं, और उनके खेल के इस अंदाज की शायद यही वजह है। तो एक खिलाड़ी जिसे हार का डर ना हो, वो विरोधी टीम के लिए घातक होता है, इसका प्रमाण हार्दिक ने कई बार दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।